इंसर्ट में हम लोगों ने पिक्चर तक कर लिया था। ऑनलाइन पिक्चर्स होता है कि अगर आपके पास ये क्रैक्ड है, ये ओरिजिनल है आपके पास, तो आप ऑनलाइन पिक्चर में जो जो इमेज आप कभी डाउनलोड किए हुए होंगे तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एज अ पिक्चर के थ्रू जैसा ही काम करेगा ये। अगला आप आते हैं सेप पे। सेप का क्या काम है? तो सेप का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप पिक्चर में क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक बार में एक ही इमेज लेंगे यहाँ पे, उसके अलावा और तो कोई आएगा नहीं, लेकिन सेप की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा इमेज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और सेप में भी है कि सेप जब आप लीजिएगा तो आप यहाँ पे ढेर सारा फिर आपको फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ से आप और भी सेप चाहो तो आप वो कैरी कर सकते हैं। जैसे मेरे को स्माइली फेस चाहिए तो वो मैं ले सकता हूँ। एडिट करना सेप में, जैसे इसका सेप का लेआउट चेंज करना है, जैसे हमको स्माइली की जगह पे मेरे को चाहिए कि हम एक कर्व ले, तो कर्व में या स्टार की तरह एक ले, तो एक स्टार की तरह मेरे को आ गया। इसको एडिट करना, एडिट पॉइंट में होता है हम लोग का पॉइंट, जैसे कि जितना एंकर है उतना पॉइंट ये देगा, तो एंकर को वाले को हम डाउन कर सकते हैं। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग एक सेप भी जनरेट कर सकते हैं, वाइट वाले को चूज़ करके कर्व सेप में हम इसको कर सकते हैं। अगला आ जाता है कि सेप का आपको डिज़ाइन कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि सेफ फील। सेफ फील का काम होता है कि कोई भी चीज़ जैसे जो कौन सा कलर में चाहिए हमको वो हम डाल सकते हैं। इसी के अंदर आ जाता है नो फील। नो फील मतलब कोई भी कलर नहीं रहेगा। मोर फील कलर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको दो टाइप का कलर मोड मिलेगा, एक स्टैंडर्ड और एक कस्टम। कस्टम का मतलब हो जाता है कि वैसा कलर जो हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कलर मोड में मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो अगर मेरे पास ग्रीन 176 रहा, और ये ध्यान में रखना है कि ये 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम 255 जाएगा और मिनिमम ज़ीरो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको जैसे हम इसको और बढ़ा दें तो देखो यहाँ न्यू कलर में और चेंजेस होगा। ब्लू को भी थोड़ा सा चाहते हैं हम बढ़ा देना, कलर चेंज हुआ, और भी हम चाहते हैं रेड को भी थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, ठीक है। तो और कलर चेंज हो गया। इसको चाहते हैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना, तो हम चाहते हैं 41% ट्रांसपेरेंट हो जाए। ओके देखिए हो गया। अब हम अगर हम वही काम अगर इसमें करें तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इसको भी हम ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ से भी कलर का लाइट एंड डार्क मोड हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड मोड से भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मोड में भी हमको जो चाहिए, जैसे ब्लू चाहिए, ब्लू सेलेक्ट कर लिया, और इतना परसेंट या 63% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके इसी में फिर आपका अगला आता है, वो होता है पिक्चर। कि अगर इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से वर्क ऑफिस में हम लोग आ जाते हैं, एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ इमेजेस हैं वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें भी कुछ चाहिए तो पिक्चर्स में हमने वही कहा पहले भी कि इसका जो मेन काम हम लोग यूज़ ले सकते हैं, सेप में तो ले ही सकते हैं, एक पिक्चर में भी इसका यूज़ आ जाएगा कि एक पेज में एक से ज़्यादा इमेज हम लोग कैसे डाल सकते हैं, वो सब काम आपका सेप की मदद से होगा। उसके बाद इसी में आपका अगला जाता है, वो जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में चूंकि ये कलर पे थोड़ा सा इफेक्ट का काम करता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग ले सकते हैं। मोर ग्रेडियंट्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन दे देगा, जिसमें आप यहाँ पे ग्रेडियंट फील में आप लोग आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको अलग अलग टाइप का डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं, किस टाइप का वो दिखना चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। इवन हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमको ये इस वाले पार्ट पे ब्लू कलर नहीं चाहिए, इस वाले पार्ट पे मेरे को येलो चाहिए, डाल दिए, हो गया। इस वाले पार्ट पे मेरे को रेड चाहिए या मरून चाहिए, जो भी मरून डाल दिए, हो गया। या इस वाले पार्ट पे मेरे को वाइट चाहिए, या वाइट में मतलब ये स्लेटी कलर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। इसी में इसका ब्राइटनेस वगैरह है कि जिस कलर को आप चूज़ किए हुए हो उसका ब्राइटनेस वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक कस्टमाइज सेप का कलर आप जनरेट कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट फिर इसी में आपका हो जाता है, वो हो जाता है टेक्सचर। तो टेक्सचर एक सॉलिड बैकग्राउंड का काम करता है। ये आपको एक टेक्सचर मतलब एक डिज़ाइन वगैरह आपको बना करके दे देगा, जिसकी मदद से आप कुछ भी हेडिंग वगैरह अगर लिखना चाहते हो, जैसे सेप में हम लोग लिख भी सकते हैं, तो लिखने के लिए भी कुछ नहीं करना है। इसी में राइट क्लिक बस करेंगे और यहाँ पे आ जाता है एडिट ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में आए एंड यहाँ पे हमको कुछ भी चीज़, जैसे सपोज मेरे को लिखना है
इसे यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या है, अब इसमें और क्या काम कर सकते हो, तो इसका टेक्सचर वगैरह वर्ड आर्ट स्टाइल की मदद से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये ऐसा चाहिए, तो चूँकि ब्लू ब्लू मिक्स ही कर जा रहा, तो मैं दूसरा कलर ले ही लेता हूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी अब आते हैं, तो सेप पे ही अभी आते हैं। सेप फिल तो हमारा हो गया, उसके बाद आता है सेप आउटलाइन। आउटलाइन करने का मतलब जो बॉर्डर लाइन है वो कैसा दिखना चाहिए, तो दिखने के लिए तो पहले होना चाहिए, तो चूँकि अभी बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा ढंग से, तो हम इसको 6 पॉइंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अब कलर वगैरह चेंज करके हम लोग देखते हैं, सभी हो रहा है हमारा। नो आउटलाइन कर देंगे, कलर मेरा आउटलाइन गायब हो जाएगा। मोर आउटलाइन कलर्स में जाएंगे तो वो सेम रहेगा, स्टैंडर्ड और कस्टम जो अभी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आ जाता है इसमें डिज़ाइन वगैरह, कुछ डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है तो इस टाइप का कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। एरो का साइन आपका आएगा कि वैसा सेप लीजिएगा जिसमें दो पॉइंट, मतलब लाइन का दोनों जो दोनों एंड पॉइंट है ना वो ओपन होना चाहिए, तो मेरा एरो का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेप इफेक्ट। सेप इफेक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट से प्रेजेंट वगैरह लेते हैं, तो इसमें कुछ अलग टाइप का आपका सेप इफेक्ट आ जाएगा। शैडो वगैरह लेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का सेप इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन वगैरह करवाएंगे तो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो सब में अपना ओन सेप इफेक्ट है सभी का, तो आप अपना प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो। इसको सॉफ्ट एज करेंगे तो ये चूँकि थोड़ा सा क्या कहता है, सॉफ्ट कर देना, सॉफ्ट मतलब मिला देना होता है, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ ये थोड़ा सा मर्ज कर देता है अपने आप को। फिर अलग सा और भी है, जिस टाइप का हमको ज़रूरत है उस टाइप का हम इफ़ेक्ट्स वगैरह यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला, अभी हम लोग टेक्स्ट हम लोग देखे थे थोड़ा सा कि टेक्स्ट कैसे ले सकते हैं, कैसे इफ़ेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास तो थोड़ा ही दिया हुआ है। अभी इसमें और भी काम क्या है कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, तो साइज़ के लिए हमको पता है शॉर्टकट मेरे पास है, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट है मेरे पास, क्लोज कर ली ब्रैकेट, ओके। नेक्स्ट फिर हो जाता है नो फिल कर देंगे, मतलब सेप टेक्स्ट के अंदर भी कोई कलर डाल के रखें तो वो भी हट जाना। मोर फिल कलर्स एज इट इज़ रहेगा, जैसे सेप फिल और सेप आउटलाइन में हम लोगों ने किया। ग्रेडियंट एज इट इज़ रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मोर ग्रेडियंट्स में चले जाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट्स में आ जाएंगे। तो ये जो अभी हम लोगों ने बनाया था कलर्स के साथ, जो चेंजेस हम लोगों ने किया था ये वो मेरे को बताते हो। तो यहाँ पे हम लाइट कलर्स और लेते हैं तो दिख जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, ये मेरा पूरा टेक्स्ट का। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लुक आपका, आपको एक प्रेजेंटेशन या आपके डॉक्यूमेंट में ये डिफरेंट टाइप का एक लुक आपको प्रेजेंट करेगा। फिर आ जाते हैं सेप आउटलाइन। तो सेप आउटलाइन के लिए पहले तो आउटलाइन हम छोटा कर लेते हैं, सॉरी टेक्स्ट आउटलाइन, ओके। यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना, डिज़ाइन हम नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको और पतला, अभी देखो अब जो भी आउटलाइन में हम लोग को चेंजेस करना है, ग्रीन कर दिए, येलो कर दिए, ठीक है, या ब्लू कर दिए, तो जैसा भी करेंगे तो ये सब कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। इसको भी हम एज इट इज कर देते हैं, ठीक है। फिर इसी में कि इसका कुछ शैडो चाहिए हमको, तो नीचे आते हैं तो शैडो बढ़िया दिखेगा, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्शन में चाहिए, जैसे हम लोगों ने सेप के साथ किया इफेक्ट का काम, वैसे हम लोग इसके साथ करेंगे। ठीक है, ग्लो वगैरह करवाना, रिवेल वगैरह करवाना, ये सब सब कुछ काम यहाँ पे थोड़ा सा 3D वगैरह में देना, और फिर इसको कुछ थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, सब कुछ करके साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर टेक्स्ट का डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल रखना है या इसको
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसा करना वो कर सकते हैं। अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। अलाइनमेंट के लिए देखिए मैं पहले इसको नॉर्मल कर देता हूँ एज इट इज़ जैसा ये था, ठीक है। टॉप, मिडिल या बॉटम, ठीक है। इसी में इसका फिर क्रिएट अ लिंक है कि इसको किसी के साथ अटैच करना है। तो ये यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे एक एरर कोड अभी जनरेट कर दिया, तो ये हम लोग करेंगे बाद में इसको। उसका फिर पोजीशन कि ये जो है मेरा किस जगह पे रहना चाहिए। तो एज इट इज़ हम लोगों ने शेप में या पिक्चर का फॉर्मेट में जो हम लोगों ने पढ़ा है ये वही सब चीज़ें, रैप टेक्स्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे का वीडियो में जब हम लोग करेंगे उसको, तो यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे हर एक चीज़ों को।